हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, प्रियांशु है और आप देख रहे हो नोकता ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हम लिटरली बिलीव नहीं करोगे पूरी रात नहीं सोए हैं, करीबन 4:30-5 बजे तक पबजी खेले, उसके बाद नहा धोवा के मस्त पूजा पाठ करके भी निकल रहे हम लोग मरीन ड्राइव के लिए, क्योंकि पटना में कोई चीज़ बना उसका वीडियो हम ना बनाया सब थोड़ा हो सकता है। तो आज की ब्लॉग अपनी मरीन ड्राइव के ऊपर गाइस। तो फिलहाल अभी हम लोग अपने दुकान पर हमारे साथ उपातिया में भी जाएंगे, देख सकते हो आप इनको। तो रेडी है और अपना मैनेजर हमेशा की तरह दूध को साइड करते हुए, यो 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 मैनेजर, और हमारा भी गया डिलीवरी देने होम डिलीवरी दूध का, वो आएगा तो फिर वो भी साथ में चलने वाला अभी हम लोग दूध का डिलीवरी। सो गाइस ब्लॉग में बने रहो, टाटा बाय बाय, लव यू। हमारा इसे चलाओगे तुम्हें, फॉर माय ओन सेफ्टी पहले हेलमेट पहन लीजिए। तो गाइज मैं सुबह 6:30-7 बजे से रेडी हो गया था जाने के लिए, पर अभी टाइम देख लो आप कैसे टाइम होता है। तो टाइम देख लो आप 8:00 कुछ मिनट हो रहा है। वो सुजीत को दूध थोड़ा पहुंचाने होम डिलीवरी करने में समय लग गया, अदरवाइज हम लोग 6:30-7 बजे के बीच में निकल जाते। सो चलो निकल चुके हैं हम लोग अपने। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पटना की जान मरीन लाइन मरीन ड्राइव, जो कि मुंबई को टक्कर देने वाला बना है, देखते हैं कैसा है। ये देखो गाइस गंगा जी के जस्ट किनारे बसा हुआ है मरीन ड्राइव के नाम से जाने जाने वाला ये रोड, देख सकते हो आप सामने अपने जस्ट जेपी सेतु है देख सकते हो। ये देखो अभी हम लोग है देख सकते हो आप मरीन ड्राइव पे, पटना का मरीन ड्राइव मुंबई का ना समझ लेना। हमारे जस्ट सामने देख लो जेपी सेतु ब्रिज हो गया और ये गंगा नदी, और ये सामने लड़ रखे हो ये गोलंबर है, ये सीधे आपको निकल जाएगा पीएमसीएच की तरफ एनआईटी घाट होते शायद जहाँ तक मुझे पता है, और ये अटल पथ में सामने मिल जाता, देख सकते हो आप सामने अटल पथ है। हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट कर दी है, पर देर से आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। क्या उपाध्याय भैया हमारे साथ, उपाध्याय भैया है और अमर स्टार, अपना स्टार, अपना स्टार, अपना स्टार अपने साथ है, लगा। सो गाइस एक बात और, मैं बुराई नहीं कर रहा पर यहाँ के लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस तो अच्छा, पर उतना ज़्यादा कचरा है, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कचरा फैला कर रखा है ये लोग, देख सकते हो आप। घूमने के नाम पे आते हैं खा ऊ के कुछ भी फेंक देते हैं, डस्टबिन जो कि बना हुआ है सामने देख लो डस्टबिन रखा हुआ है जगह जगह पे, एक दो जगह डस्टबिन रखा हुआ है, पर अवेयर होना पड़ेगा। मुंबई का मरीन ड्राइव देखे तो वहाँ पे एक कचरा एक पानी का बोतल कोई डर से नहीं फेंकता है, तुरंत वो क्या बोला जाता है एनसीबी या क्या भी होता है वो लोग तुरंत फाइन मार देते हैं। पर यहाँ का हालात देख लो, ये देखो ये देखो, बिहार को ताजमहल भी दे दिया जाए ना तो ठीक है अच्छा है, पर यहाँ के लोग उसको भी गंदा कर दें, क्या बोले यार ये सब क्या है। देखो ये देखो ये देखो, बारिश आएगा पूरा इसका ब्यूटी ख़राब करके रख देगा सारा, पर किसको समझाए समझ में किसी को आए तब तो। सो गाइस इग्नोर अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स, आते सीधा पॉइंट पे। तो सामने देख लो अटल पथ जो कि दिग्घा निकलता है, और ये सीधा निकल जाएगा पीएमसीएच की तरफ और अपना गंगा किनारे, और अमर कुछ फोटोग्राफी करते हुए देख सकते हो आप, मेरा कपड़ा पहन के समर स्मार्ट लगता है कभी कभी, क्या है मत। और उपाध्याय में पहुँच देते हुए तो उस साइड थोड़ा हम लोग जाते हैं, एक मिनट, अरे बाप रे हो। तो इस साइड का सीन कुछ ये है कि अभी इधर तो बहुत गंदा है, इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है देख सकते हो,
ये शायद पत्थर उत्थर से पूरा भर के इसको एक बैरिकेडिंग टाइप के बना दिया जाएगा ताकि पानी ऊपर तक ना आ सके। देख लो काम चल रहा है, अभी पत्थर भरा जा रहा है और इसका ब्यूटी ख़राब ना हो। जब बरसात का मौसम आएगा ना, पानी एकदम यहाँ तक पानी का लेयर यहाँ तक आ जाएगा, तब मज़ा आएगा इस रोड में घूमने में, तब का भी वीडियो बनाया जाएगा, पर फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही है। और गाइस मुझे पता है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने मुझे थोड़ी सी लेट हो गई, पर हम देर आते हैं दुरुस्त आते हैं, बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, पर अपना रूल ये है कि देर से आओ दुरुस्त आओ, सही चीज़ सब लोगों को दिखाओ। तो फिलहाल क्या बताएं इसके बारे में, ये गोलंबर है जहाँ का पता होगा। अभी देखो यहाँ पे ये क्या फुटपाथ जो चलने वाला, ये बनने का काम है, दुकानें भी लगना शुरू हो गई है, देख सकते हो आप। शाम के टाइम में बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे, इसलिए हम प्रीफर किए सुबह में आना ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, जल्दी जल्दी से मतलब कि अपना घूम भी ले, ज़्यादा ट्रैफिक में भी ना फंसे। हाँ जिधर से आए उधर ही चले जाइए। सो गाइस इनको जाना था सोनपुर, गलती से नीचे आ गए, तो हम लोगों ने बताया जेपी से तो पकड़ लीजिए, सीधा आपको सोनपुर की तरफ ले जाएगा। बेचारे गलती से नीचे आ गए, घूम के वापस जा रहे हैं। ये दूसरी गाड़ी है जिन्हें हमें गाइड किया यहाँ पे आके, गाइड का काम अच्छा। एक और है आके रुकिए, हमसे सजेशन पूछिए कहाँ जाना है, हम लोग सजेस्ट कर लिए। जाओ भाई, एक को कुर्जी जाना था जिसको होटल पर पकड़वा दिए, एक को सोनपुर जाना था जिसको जेपी सिद्धू पकड़वा दिए, और बोट देखो ना हुआ। तो अमर कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? कुछ कहो, हमारे ब्लॉग में बहुत लोग तुमको, अमर स्टार तुमको बहुत लाइक करते हैं, कुछ कारण बताओ तुमको इतना क्यों लाइक किया जाता है? अरे हमको मेरा कमेंट बॉक्स देखो, ज्यादा तुम्हारा नाम से फेमस है अमर स्टार, जो तुम कांड करवाए हो ना 4 किलोमीटर का 37 किलोमीटर भगवाए हो, उसके चलते भी कांड हो गया था। क्या बोला? यूअर फॉल्ट था गाइस, इसका इंग्लिश देख रहे हो, कह रहा यूअर फॉल्ट था। अरे भाई गजब का इंग्लिश है गाइस, देख सकते हो आप लोग। नीतीश कुमार बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, लोग गंदा करने पे ध्यान दे रहे हैं। अब तो अभी बन रहा है ना, लोगों को थोड़ा तो अवेयर रहना चाहिए ना, गंदा ना करे मतलब फेंक देगा रोड पे। गाइस ये कचरे का समर्थन कर रहा, बुरा कचरा और फैलाओ, ऐसे लोगों को चप्पल से मारो। चप्पल से मारो साले को, चप्पल से भाई कसम, तेरा भाई तू लेके आएगा, तू लेके आएगा, तेरा दोस्ती कसम तू लेके आएगा। 10 गिनेंगे 10 9 दोनों चलेगा, चल तेरा 50 रुपया का चप्पल मेरा फेंक रहा, शर्म नाम की चीज नहीं है। तो गाइस थोड़ा बहुत फोटो वोटो खींच लेते, उसके बाद इस रोड को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर इस रोड को कवर करने की कोशिश करेंगे, दोनों रोड का भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये ब्लॉग अराउंड 15-16 मिनट का बनाने का सोच रहे हैं, तो ये शुरू हो चुके फोटोग्राफी के लिए, भी हम बनाने वाले हैं सीधे। सो गाइस देखो हमारी इतनी अच्छी जगह पे आके भी कितना गंदा काम कर रहा है, देख सकते हो आप लोग। गाइस शर्म नाम की चीज़ नहीं है, स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक होता है अमर। स्मोकिंग कैन सेव योर लाइफ बट ओनली इन पबजी, स्मोकिंग सिर्फ पबजी में तुम्हारी जान बचा सकता है और रियल लाइफ में जान लेता है। इसको हम इतना बार समझाया गलत काम मत करो, फिर भी पता नहीं किसका संगत में रहता है, गलत चीज़ सीख रहा है। गोबर हो गया गोबर, अरे मैं मेरा टी शर्ट है भाई गंदा कर दिए लोग, कोई बात नहीं हम साफ कर देते। अभी भी गाइस ये सुधरा नहीं है, ब्लॉग में आने के बाद भी देखो एक इससे सिगरेट नहीं जल रहा है, दुनिया क्या जलाएगा अमर तुम बताओ? एक तुम सिगरेट नहीं जल रहा है, दुनिया तुम क्या जलाओगे बताओ? ये ब्यूटी भी एंजॉय करो गाइस आप लोग, सबसे नीचे नाव गंगा जी, उसके ऊपर ट्रेन, उसके ऊपर गाड़ियाँ, फिर साइड में भी गाड़ियाँ देख सकते हो आप लोग, और उसके ऊपर से फ्लाइट गई तो फ्लाइट क्या ही लुक है, देख लो आप, एंजॉय करो ये लुक। और अमर को एक काम पे लगाए हुए गाइस टाइम लैप्स लेने के लिए, तो टाइम लैप्स में थोड़ा सा हम भी आ जाते हैं, इसको पहले क्रॉस किया जाए। तो टाइम लैप्स में हम भी आ चुके हैं, सामने टाइम लैप्स लिया जा रहा है, आप लोग देखोगे टाइम लैप्स में। और अमर क्या कर रहे हो अमर? लॉल। डस्टबिन पूरा भर चुका है, डस्टबिन के बाहर भी पूरा कचरा फेंका हुआ है, और सामने भी एक ड्रम में शायद डस्टबिन ही है, कुछ ड्रम देखो 1 2 3 जगह जगह पर डस्टबिन बनाए गए हैं, पर लोग ज़्यादा उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, रोड बाहर ही फेंक दे रहे हैं। आइसक्रीम खाने पीने की चीज़ें देख सकते हो, कितना कचरा है, मतलब थोड़ा सा अगर साफ सफाई का ध्यान दिया जाए ना, तो जो इसका लुक है ना और एकदम उभर के आएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है एकदम, क्या बोले एकदम माइंड ब्लोइंग, एक नंबर। जैसे अटल पथ देख सकते हो एकदम साफ सुथरा रहता है, उस टाइप में इसको बना दिया जाना, इस तरह गोलंबर बनने के बाद और प्यारा लगेगा, पर फिलहाल के लिए भी इतना ही लगेगा। सो गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं पीएमसीएच की तरफ, और अमर हेलमेट लगा लो अपना,
सेफ्टी फर्स्ट। चलिए बढ़िया, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, देख सकते हो आप सीधा हम लोग निकल रहे हैं PMCH की तरफ रास्ते में, और कचरा का हालत देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा कचरा है देख लो। खास बात है यहाँ पर ट्रक और भारी वाहन अलाउ नहीं है। सो गाइस ये लेफ्ट सीधा गांधी मैदान की तरफ निकल जाता है, चले गांधी मैदान चलते हैं। और सामने आप देख सकते हो मेरे विस्कोमान भवन, ये सीधा गांधी मैदान तरफ निकल जाता है, और ये रोड कहाँ जाता है पता नहीं। और जगह जगह पे बोर्ड दिया हुआ है नो सेल यूज, तो ड्राइविंग करते वक्त कृपया अपने फ़ोन का प्रयोग ना करें। ये वाला रोड कहाँ निकलता है भैया? PMCH ना, ये PMCH निकलता है, और ये सामने से आप गांधी मैदान जा सकते हो। हाँ, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है गांधी मैदान, गांधी मैदान के लिए राइट टर्न ले। तो हम लोग सीधा गांधी मैदान निकलते हैं, गांधी मैदान के बाद सीधे उधर क्या रोड से चलेंगे घर। सो गाइस सोच रहे लॉन्ग टूर ज़्यादा हो जाएगा गांधी मैदान का, इसलिए यहीं से हम लोग यू टर्न लेते हैं, सीधा वापस चलते हैं उसी रोड की तरफ जिधर से हम लोग आए थे। और हम आगे जा चुके हैं, हम लोग पीछे पीछे निकल रहे हैं। कितनी लंबी गाड़ी है कंस्ट्रक्शन वाली, कुछ लोग देख सकते हो रॉन्ग वे में भी आ जा रहे हैं, मतलब यू टर्न दिया है वहाँ नीचे से, पर रॉन्ग वे में इन लोगों को घुसना है, ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस इन लोगों के चलते होते हैं, पर इन लोगों को समझ में आए तब तो। गाइस ये गाड़ियों की हालत देख के लग रहा है जो कूड़े के तरह रखा हुआ है, हमको लग रहा है या तो पुलिस स्टेशन होगा, थाना होगा, या फिर कोई गाड़ी उड़ी का जो गैरेज उरेज होता है ना वो होगा, तब इतना गाड़ी फेंका हुआ कचरे के तरफ में। राजेंद्र प्रसाद जी का स्मारक सामने बना हुआ है देख सकते हो आप, बस स्टॉप के लिए बस का साइन दिया हुआ है। फिर रॉन्ग वे में एक लड़का आते हुए, इन लोगों को कौन समझा, ना हेलमेट ना कुछ नहीं, रॉन्ग वे में घुसा देना, खुद तो जाना है जाना, दूसरों को भी लेकर जाना है। वातावरण को मेंटेन करने के लिए पेड़ भी लगाए गए हैं गाइस, देख लो डायरेक्ट पेड़ ला के यहाँ पर लगा दिया गया है, उखाड़ के पेड़ वहाँ से देख लो, तो अच्छा काम किया गया सरकार की तरफ से, प्लस पॉइंट, थम्सअप, बिग थम्सअप टू आवर बिहार गवर्नमेंट। और यहाँ भी बीच में आप डिवाइडर पर देख सकते हो छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं, जो कि बड़ा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, मतलब इसका ब्यूटी और दो गुना बढ़ा देगा। और दुकान छोटे छोटे देख सकते हो आप लगाए हुए हैं, एक कुछ अच्छा सुट्टा चाय सुट्टा का दुकान है। तो हम लोग करीबन पहुंच चुके हैं, जहां से हम लोग निकले थे वहीं पे दोबारा पहुंच चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी गुलामपुर का, ये देखो पीछे ब्रेक ले लिया, हजनूब आदमी है भाई, कहाँ कहाँ से गाड़ी चलाने आ जाते हैं। तो ये अपना जेपी से तो पुल रहा है देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, चाहो तो आप जाकर देख सकते हो, अगर आपको ना पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका। तो कुल मिला के ये रोड कैसा है क्या है इसका रिव्यू हम लोग एक जगह रुक के देते हैं, आगे जाकर रुकते हैं एक जगह पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही है, क्योंकि अभी हवा चल रहा है ऊपर से, ये कैमरे का माइक का भी थोड़ा सा इशू है आप लोग को पता है, तो ज़्यादा सही से आवाज़ नहीं जा पाएगा, इसलिए इस रोड के बारे में रिव्यू एक जगह रुक के देते हैं गाइस, तब तक आप ये सॉन्ग के साथ इसके शॉर्ट्स एंजॉय करो।
यहाँ पे एनी टाइम अपनी पुलिस प्रशासन एक्टिव रहती है। देख सकते हो किसी भी प्रकार का अगर आप हेलमेट नहीं लगा के आओगे या फिर किसी भी प्रकार का हड़बंदी करोगे तो आप पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ हेलमेट लगा के आना इधर आप जब भी आओगे, अदरवाइज पकड़े जाने में फ़ाइन भी लग सकती है आपको। और बाकी तो सभी लोगों को पता है अपना पाटलिपुत्र जो कि ये दिग्घा से सीधा एम्स तक कनेक्टेड है। ये रोड कितना ही प्यारा बना हुआ है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। छोटे का बर्थडे भी हम लोग इसके ऊपर ही सेलिब्रेट किए थे, ना देखो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। कितना ही प्यारा है ये रोड का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई, इस रोड के जैसा कोई हारिच नहीं है गाइज। अमर हम लोग से बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, देख सकते हो आप। चलिए तो अमर सुनने वाला वो है नहीं, घंटा इतना दूर है हम लोग से। अबे हूतिये, अबे लाल नहीं सुनाई दे रहा तोरा। अपने सामने देख सकते हो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, जहाँ कोई ट्रेन लगी हुई है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है पर कोई ट्रेन लगी हुई है, यहाँ से दिख नहीं पा रही है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं रूपसपुर नाहर गोला रोड के पास। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने गोला रोड वाले ओवरब्रिज पर, जो कि गोला रोड से रुकनपुरा तक जाती है, जस्ट उसके नीचे है नाहर पे। इसका नाम नाहर है और इसके पता नहीं क्या खुजली लगता है, इसके पीछे किसी ने केरोसिन डाल दिया, बहुत छटपटा के भाग रहा है, तब से आगे भागे जा रहा है। बोल रहे रुक रुक भाई रुक, धीरे चल हौले चल, इसको समझ में ही नहीं आता है। इस गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं लगती, नई गाड़ी है या फिर शोरूम वाली गाड़ी। लेडीज पक्का लेडीज ड्राइवर होगी, हाँ बोले ना, हमको पता था लेडीज ड्राइवर होगी। कुछ नहीं भाई, एकदम डायरेक्ट घुसा देना है गाड़ी को, सीधा घुसा देना है। सामने बंदा आ रहा नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं, पक्का लेडीज ड्राइवर थी, हम बोले थे लेडीज ही थी। बोल ऐसा गाड़ी लेडीज ही चला सकती है, सब नहीं पर कुछ कुछ होती हैं। ऐसनम हमसे पूछो कितनी जल्दी आ गए हैं, क्या उपाय देवे, कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए ना। 8 बजे करीब हम लोग निकले थे ना, 9 बजे तक देख लो वापस आ चुके हम लोग, 9:05 पे वापस आ चुके, सुबह 8 बजे कुछ मिनट पे निकले थे। और ये अपना रूपसपुर थाना, जहाँ की UP 96B की गाड़ी पड़ी हुई है कबाड़ की तरह, धरे होंगे ये लोग किसी तरह। सो गाइस जहाँ से हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत की थी वापस वहीं पे आ चुके हैं, 8 बजे करीब निकले थे, 9:24 में वापस आ चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को समय लगा 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में घूम फिर के आ चुके हैं। मैनेजर अपना जिंदाबाद, अरे एकदम तम ब्लॉग फास्ट फास्ट बनाते ना है। सो गाइस अब मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा वन उनके पास है, देख सकते हो आप। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हालत देख सकते हो आप मेरी, आँखों में नींद भरा पड़ा है, पूरी रात जगा हूँ आज। तो मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और रहा बात रिव्यू का, तो उस रोड के बारे में कुछ रिव्यू देना चाहते हैं भाई आप? नंबर वन कुछ भी, जैसे क्या उसमें डिसएडवांटेज लगा आपको, क्या एडवांटेज लगा? एडवांटेज ये है कि जाम से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि लोग वहाँ पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कचरा कर रहे हैं और छोड़कर वापस आ रहे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो मेरा रिव्यू का बात करूँ तो रोड एक नंबर मस्त बनाया है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी को इमरजेंसी में जाना तो जाम से बीच सिटी में नहीं जा सकते, वो जाम से ट्रैफिक से फंसने के चक्कर में सीधा आप निकल सकते हो उधर। एक नंबर सेक्सी सा रोड बनाया गया, एकदम मस्त साफ सुथरा, पर लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोग वहाँ पे जाकर कचरा फैला रहे हैं, घूमने के शाम के टाइम में जा के टूरिस्ट प्लेस उसको बना दिए और पूरा कचरा फैला रहे हैं। डस्टबिन रखा गया पर डस्टबिन का यूज कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, बट ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है गाइस। फेमस लाइन है भैया, उस रोड के बारे में कोई रिव्यू आपका? रिव्यू ये है कि हाँ। रोड इतना चिकना बना है जैसे मानो हेमा मालिनी का गाल हो। क्या ऐश्वर्या राय का नहीं सलमान भाई बुरा मान जाएंगे, हेमा मालिनी, सलमान खान बुरा मान जाएंगे। हेमा मालिनी का गाल इस रोड के मामले में सूट बैठता है, एकदम जीटी रोड की तरह चकाचक बना दिया गया उस रोड को। थे जिन्होंने कंपेयर किया था हेमा मालिनी का गाल से। अच्छा तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा।